डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर, डिफरेंशियल इक्वेशन के रनिंग वीडियोज में आज हमारे पास है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ स्पेशल फंक्शंस के जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। स्पेशल फंक्शन क्या है? तो सिर्फ स्पेशल फंक्शन के जो है आज हम लोग तीन चार कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक ना। तीन चार कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला इसमें तो कॉन्सेप्ट हम लेंगे कि लॉगर्स पॉलिनोमियल जो है ना, एल ए जी यू ई डबल आर, लॉगर्स पॉलिनोमियल देखेंगे, पॉलिनोमियल्स ये देखेंगे। दूसरा जो हम देखेंगे वह हमारा रहेगा हर्माइट्स पॉलिनोमियल। दूसरा जो है होगा हर्माइट, दीज आर नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड स्पेशली दीज आर ऑल ब्रिटिश और अमेरिकन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। हालांकि इससे ज़्यादा चीज़ें अपने यहाँ इंडिया में डेवलप हुई, बट उसको हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने कहें तो उसको प्रोपेगेट नहीं कर पाए, पेटेंट नहीं करा पाए, रिसर्च पेपर उसके ऊपर नहीं लिख पाए, जिसके चलते कि वह मार्केट में नहीं आ पाया। तो आज ये तीन हम जो है आपको बताएंगे, लॉगरर्स पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल एंड सेविसेव जो है पॉलिनोमियल। लेकिन ये सब बताएं उसके पहले दो तीन चीज बताना बहुत जरूरी है। दो तीन चीज क्या जरूरी है? तो एक तो आपको ऑर्थोगोनलिटी प्रिंसिपल हमने बताए थे लीजेंडर्स पॉलिनोमियल में, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल भी दिखाएंगे कि लीजेंडर्स पॉलिनोमियल क्या होता है। रॉड्रिज फार्मूला भी आपको हम बताए थे, ये लीजेंडर्स पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ये लीजेंडर्स पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, ठीक है। और ये रॉड्रिज फार्मूला उसके ऊपर ही हम बताए थे, ठीक है। रॉड्रिज फार्मूला बताए थे, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल के कुछ डायरेक्ट फार्मूला भी हमने लिखा था, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल के डायरेक्ट लिखे थे। और कुछ हम बेसल इक्वेशंस भी आपको बता दें, ठीक ना। ये बेसल इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से हमारा शॉर्ट में शुरू होगा। ये बेसल इक्वेशन है और बेसल इक्वेशन से हमने y इक्वल टू ए नट एक्स टू द पावर m ये सब का फार्मूला लिख करके हमने इसको डेराइव किया था कि जो मिनिमम पावर ऑफ x है उसको ले करके हम आगे बढ़े थे, और जो लोएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाता है, इंडाइसल इक्वेशन। इंडाइसल इक्वेशन के हेल्प से हमने ये निकाले थे आपके ये बेसल फंक्शंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार आप इस वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं, लेक्चर नंबर 228, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक लीजेंडर्स इक्वेशन बताए थे, और यही लीजेंडर इक्वेशंस को हमने देखा था कि इसको भी सॉल्व करने का बिल्कुल तरीका वही है, सिर्फ दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर ए जीरो जो है, ए जीरो जीरो कभी नहीं होगा, ए वन जीरो हो जाएगा, ए टू जीरो हो जाएगा, वहाँ ऑप्शन है। यहाँ पर लीजेंडर्स वाले में ए जीरो भी जीरो नहीं होगा और ए वन भी जीरो नहीं होगा। तो जब दो दो जीरो नहीं होंगे तो ये इस तरह से इक्वेशन बनते हैं ए जीरो और ए वन के टर्म में। और जब ए जीरो और ए वन चूँकि कॉन्स्टेंट है और उसको कुछ इस तरह से चूज करते हैं कि हमारा जो है पॉलिनोमियल जो बनेगा, लीजेंडर्स पॉलिनोमियल उसकी जो वैल्यू होगी वह वन आ जाए यदि एक्स इक्वल टू वन रखते हैं, तो उसी को हम लोग लीजेंडर्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। और काफ़ी डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ाया था, उसी से मिलता जुलता ये तीन जो है स्पेशल फंक्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट चूँकि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो कभी ऐसा आ जाता है तो अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ये लॉगरिथमिक पॉलिनोमियल क्या है, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक्स वाई डबल डैश प्लस वन माइनस एक्स वाई डैश प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो को, इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये फॉर्मेट यदि आ जाए कहीं पर तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये सॉल्व करते हैं
रॉड्रिज फार्मूला। रॉड्रिज फार्मूला जो है हमने आपको लेक्चर नंबर 232 में बताए थे, ठीक है, ये अभी हमारे सामने है, ठीक है ना। रॉड्रिज फार्मूला के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉग्रेंज पॉलिनोमियल हो गया, लॉग्रेंज पॉलिनोमियल का ये इक्वेशन हो गया, और दीज पॉलिनोमियल्स आर गिवन बाय रॉड्रिज फार्मूला, जस्ट लाइक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x और d टू द पावर n, dx टू द पावर n और इधर x टू द पावर n e टू द पावर माइनस x, ठीक है, सही है। जब हम l नट ऑफ x लेंगे, जब m n जीरो ले लेंगे तब देखिएगा कि 1 आ जाएगा, जब x n 1 लेंगे आप x तो ये 1 माइनस x आएगा, l2 ऑफ x लेंगे तो 2 माइनस 4 x प्लस x स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस तरह से अब वैल्यू आप लेते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब इनका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, इट्स जनरेटिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट हम आपको कई बार बता चुके हैं। जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन इसका क्या होता है, e टू द पावर माइनस x t अपॉन 1 माइनस t, ठीक ना, अपॉन 1 माइनस t इक्वल टू सम ऑफ फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n और l, सॉरी सम ऑफ और l n ऑफ x अपॉन फैक्टोरियल n और t टू द पावर n, n कहां से 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, ठीक ना। और इसका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी, ठीक ना, तो ये क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, e टू द पावर माइनस x l m ऑफ x l n ऑफ x dx इक्वल टू, इक्वल टू जो है क्या होगा, या तो जीरो होगा कब, जब m n के बराबर नहीं होगा, जब m n के बराबर नहीं होगा जीरो होगा, और ये फैक्टोरियल n का स्क्वायर होगा यदि m और n दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यदि दोनों बराबर होंगे तो ये होगा। तो ये हो जाता है लॉग्रेंज पॉलिनोमियल। उसके बाद हर्माइट्स पॉलिनोमियल, हर्माइट्स पॉलिनोमियल, ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं, y डबल डैश, ठीक ना, माइनस टू एक्स वाई डैश और प्लस टू एन वाई इक्वल टू जीरो, ठीक ना। अब ये पॉलिनोमियल्स भी जो है रॉड्रिज फार्मूला के थ्रू इसको डेराइव करते हैं और एच एन ऑफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं माइनस वन टू द पावर एन ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर डी टू एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर एक तरह से हो गया देखिएगा, और ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे तो एच नॉट ऑफ एक्स इक्वल टू वन आ जाता है, एच वन ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स आएगा, एच टू ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू आएगा, एंड सोन आगे बढ़ते जाता है। इसकी जनरेटिंग फंक्शन की यदि हम बात करते हैं, जनरेटिंग फंक्शन की यदि बात करते हैं, जनरेटिंग फंक्शन क्या होती है इसकी, e टू द पावर टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ n इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा, और एच एन ऑफ x जो अभी हम निकाले हैं यहाँ पर, एच एन ऑफ x अपन अपन फैक्टोरियल n और t टू द पावर n, ठीक है ना। अब द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स, इसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आप यदि निकालेंगे, आप ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ये आपका निकल करके आता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकलेगा, और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और एच एम ऑफ एक्स एच एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ठीक ना, या तो जीरो होगा जब m इज नॉट इक्वल टू n, जब m और n इक्वल नहीं होंगे, या यही जो है आपका 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n पाई होगा यदि m इक्वल टू n होगा,
ठीक है। तो ये आपका निकल करके आता है क्या, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। लास्ट एक है सेविसेव पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका फॉर्मेट लेस और मोर इसका जो फॉर्मेट होता है, इसका फॉर्मेट होता है आपका लिजेंडर्स पॉलिनोमियल के मिलता जुलता। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर और क्या y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक ना। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसका पॉलिनोमियल का देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसकी जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा। तो देयर जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि आप ध्यान देंगे सब में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, एक तो पॉलिनोमियल उसका डेराइवेशन, जनरेटिंग फंक्शन एंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसका जनरेटिंग फंक्शन यदि हम देखेंगे, जनरेटिंग फंक्शन की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ टी एन ऑफ एक्स टी टू द पावर एन, एन इक्वल टू जीरो से कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आप तो क्या निकल करके आता है, टी एन ऑफ एक्स इक्वल टू एन बाई टू और सम ऑफ एन इक्वल टू जीरो सॉरी आर इक्वल टू जीरो से यहाँ पर एन कैपिटल एन, ठीक है। और कैपिटल एन क्या है, ये एन बाई टू है यदि इवेन है, ध्यान रखिएगा एन क्या है, एन बाई टू होगा यदि इवेन होगा और एन माइनस वन बाई टू होगा यदि ये क्या है, ओड नंबर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये माइनस वन टू दी पावर आर, ठीक है, फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन अपन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस टू आर इंटू टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू आर, ये जो है आपका वैल्यू निकल करके आता है, ठीक है, ये वैल्यू निकल करके आता है इसका टी एन ऑफ एक्स का। और इसमें जब वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है ना, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे टी जीरो ऑफ एक्स क्या आएगा, टी जीरो ऑफ एक्स आप देखेंगे ध्यान से तो ये आएगा आपका वन, टी वन ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा आपका एक्स, टी टू ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसी तरह से टी थ्री ऑफ एक्स टी फोर ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एक जनरल रिलेशन की यदि हम बात करेंगे इसमें किसकी, एक जनरल इक्वेशन की यदि हम बात करें ना, एक जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये क्या निकल करके आता है, टी एन प्लस वन ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स टी एन ऑफ एक्स माइनस टी एन माइनस वन ऑफ एक्स, ठीक है। दैट मीन्स कि इट डिफाइंस, ठीक है ना, इट डिफाइंस क्या डिफाइन कर रहा है बताइए, एक पैटर्न कि एन प्लस वन की वैल्यू जो है, एन प्लस वन की वैल्यू जो है एन एंड एन माइनस वन के टर्म में, एन एंड एन माइनस वन के टर्म में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये जनरेटिंग फंक्शन हो गया, इसका ऑर्थोगोनलिटी भी चेक कर दें, ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्थोगोनलिटी प्रॉब्लम की यदि बात करते हैं तो सिंपल क्या होगा,
यही माइनस वन टू वन, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, और इधर टी एम ऑफ एक्स टी एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा। अब ये इक्वल टू निकालेंगे तो जीरो होगा कब, जब एम इक्वल टू एन नहीं होगा। यही इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू होगा जब एम इक्वल टू एन होगा, और यही पाई हो जाता है जबकि एम और एन ये सब क्या हो, जीरो। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनिटी प्रिंसिपल फॉर सेबी से पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपके लिए, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सिमिलर फॉर्मेट में। ठीक है, ये आपको जब भी कोई क्वेश्चन देगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन देता है आपको, ठीक है, ये एच एन ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन ई एक्स स्क्वायर और डी टू द पावर टू एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन ई माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन देख करके और ये हर्माइट पॉलिनोमियल्स देख करके आपको एक जैसा नहीं लग रहा है, पहला चीज़ तो सेम है, और दूसरा ये जब एच लिख दिया तो ऐसे भी क्वेश्चन में हर्माइट प्रॉब्लम लिखेगा, और नहीं लिखेगा तो भी आप समझ जाइएगा कि ये हर्माइट का ही प्रॉब्लम है। ठीक ना, अब हर्माइट का प्रॉब्लम है यदि तो ये आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसकी जनरेटिंग फंक्शन, इसकी जनरेटिंग फंक्शन क्या होगी बताइए। तो अब आपके पास यदि पेज पर लिखे हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास तो है अभी, बाय द वे जनरेटिंग फंक्शन देखिए ये अभी आपके सामने है, इसी को हम रिपीट करेंगे। ठीक है ना, इसी को रिपीट करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे ना, जब हम जो है डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, ई टू द पावर टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ध्यान रखिएगा, और ई टू द पावर माइनस टी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एच एन ऑफ एक्स इंटू टी टू द पावर एन अपन फैक्टोरियल एन। ये तो क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा एन। ठीक है, और इसको फाइनली एच एन ऑफ एक्स निकालिएगा यदि आप, तो क्या हो जाएगा, डेल टू द पावर एन अपन डेल टी टू द पावर एन और ई टू द पावर टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, और ये कहाँ पर जाएगा, जब t इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आप कि डेल टू द पावर n अपॉन डेल t टू द पावर n हो गया e टू टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ पर, t इक्वल टू जीरो पर, और ये एच एन ऑफ x यहाँ निकला हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल टू द पावर एन अपन डेल टी एन, और इधर ई माइनस टी माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, और ये भी कहाँ पर जा रहा है, टी इक्वल टू जीरो पर आएगा। अब लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा क्या, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और इधर डेल टू द पावर एन, और इधर डेल माइनस एक्स टू द पावर एन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, माइनस आ गया, माइनस नीचे आएगा, ई टू द पावर माइनस टी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो पर इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन डी एन। ठीक है, और इधर डी एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपनी पूरी की पूरी इस तरह से ये आपका आंसर निकल करके आ गया, देख लीजिए यही तो है और यही आ गया यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा डेल एन एक्स स्क्वायर आ गया रिजल्ट। ठीक ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपको ये सॉल्यूशन निकल गया, इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपका जो है ये आपका इक्वेशन हर्माइट प्रॉब्लम से, हर्माइट पॉलिनोमियल के हेल्प से कैसे बना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अभी लेक्चर में
लॉगरिथम्स पॉलिनोमियल देखे और हर्माइट्स पॉलिनोमियल देखे और चेबीशेव देखे। ये देखिए लेक्चर नंबर 234 था। लेक्चर नंबर 235 में एक हम समरी दे देंगे आपको, अभी तक जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस पढ़ाए थे ना आपको, चाहे वो पॉलिनोमियल्स हो या लीनियर हो या जो भी था ना, उन सब का जो है एक समरी हम आपको दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए थे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो है हमने सॉल्व किया है किसको, किसको सॉल्व किया है, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक ना। तो ये सारे चीज़ें हमने आपको अभी बताए और नेक्स्ट क्लास की जो है वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा, दैट माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।